ये कहानी एक ऐसी औरत के ऊपर आधारित है जिसका पति जंग में घायल हो जाता है और फिर वो अपनी पत्नी की पर्सनल जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो औरत अपने ही नौकर के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करती है। अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। पर दोस्तों उससे पहले लेडीज चैटरलीज लवर, और ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ एक धमाका होता है और ओलिवर नाम का एक आदमी जो उस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है। पर उनमें से टैडी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाया जाता है। इसके बाद एक पार्टी में हम कोनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड चैटरली था और वो बहुत अमीर था। अब कुछ देर तक बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन कोनी के दोस्त डंकन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो भी कोनी से प्यार करता था। अब इन दोनों की ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और शादी के वक्त वो दोनों ये कसम खाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर अगले दिन ही क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। वहीं जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। आज क्लिफर्ड घर आ रहा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत ज्यादा खुश होती है, पर तभी हम देखते हैं कि जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के पेट के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब क्लिफर्ड अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वहीं कोनी क्लिफर्ड को जिंदा देखकर खुश तो हो रही थी, पर वो भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। उनकी खुशियों भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा ये किसी ने सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर तभी कोनी उसे रोक लेती है और वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब इसकी दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। इस बार ओलिवर किसी खदान में काम नहीं कर रहा था, बल्कि इस बार वो जंग में था। कुछ दिनों बाद जब ओलिवर अपने घर आता है तो वो अपनी मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और वो उससे बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास जाता है। फिर जब क्लिफर्ड उससे बात कर रहा होता है तब उसे पता चलता है कि ओलिवर जंग में उसी के अंडर काम कर रहा था। क्लिफर्ड इससे काफी इम्प्रेस होता है और वो ओलिवर को उनके पक्षियों का ख्याल रखने का काम देता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और जब वो उसमें बैठकर घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हैं। फिर एक दिन वो कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में बने हुए एक कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहाँ पहली बार कोनी ओलिवर को देखती है। वहाँ से वापस आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा देती है, पर ओलिवर उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे बोलती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इस पर कोनी खुद उसे चाबी देने के लिए उसके पास जाती है। फिर जब वो ओलिवर के पास पहुंचती है तो ओलिवर उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे बोलता है कि आपको ये तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। कोनी को भी ओलिवर के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद कोनी फिर से उससे मिलने के लिए उसके कॉटेज में जाती है जहां ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा था। फिर जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। ये देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो ओलिवर के पास जाने लगती है, पर तभी ओलिवर भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता था। कोनी को वो जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वो ओलिवर को बोलती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी। इस पर ओलिवर उसे बोलता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। कोनी उसे बोलती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम उसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बारिश आ जाती है इसलिए वो ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है जहाँ वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उठ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था। कोनी उससे पूछती है कि तुम उससे दूर क्यों भाग रहे हो, तो ओलिवर उसे बोलता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि अगर क्लिफर्ड को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब क्योंकि ओलिवर ने कोनी को गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया था इसलिए वो वहाँ से अपने घर चली जाती है। एक दिन कोनी क्लिफर्ड को बोलती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिफर्ड उसे बोलता है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए उस पर करंट के झटके देने लगता है। क्लिफर्ड दर्द से बहुत चिल्ला रहा था और फिर जब आखिरी में कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वो क्लिफर्ड को रोक देती है। अब क्लिफर्ड इस काम में नाकाम हो गया था इसलिए वो रोने लगता है। अब इसके अगले दिन कोनी जंगल में जाती है और वहाँ पर बैठकर एक डायरी पढ़ने लगती है, पर तभी उसे ओलिवर के काम करने की आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत उसके पास चली जाती है। जहाँ पहुँचकर वो छोटे चूजों को देखती है और उनको देखकर रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर वो अपने बच्चे को याद करती है जो शायद अब कभी भी पैदा नहीं होगा। अब कोनी को रोता हुआ देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगा था इसलिए वो उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है जहाँ वो दोनों गपागप करते हैं। अब कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होने को आती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने उसके साथ जाता है।
जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो किया है क्या तुम्हें उसका कोई पछतावा है, जिस पर ओलिवर उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। वहीं कोनी की नींद भी उड़ जाती है और वो भी ओलिवर की याद में सो नहीं पाती। फिर वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ते हुए ओलिवर के पास चली जाती है और उसे जाते हुए उसके घर की एक मेड देख लेती है। ओलिवर भी वहाँ कोनी का इंतजार कर रहा था और वो कोनी को बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आओगी। इस पर कोनी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और फिर वो दोनों वहाँ पर घपाघप करने लगते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर पर एक पार्टी होती है जहाँ पर डंकन भी आया होता है। फिर क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं और उसे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह क्लिफर्ड कोनी को बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। कोनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी और क्लिफर्ड को लगता है कि इसीलिए कोनी डंकन के करीब जा रही है। पर इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है, जिस पर क्लिफर्ड उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ गपागप करती है। एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो इस बारे में क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड ये सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी उस आदमी का नाम उसे नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने उसके पास जाता है और वो कोनी को भी अपने साथ चलने को बोलता है। अब वो दोनों जा ही रहे होते हैं, पर तभी ओलिवर पीछे से आता है और वो कोनी को किस करने लगता है। अभी दोनों किस कर ही रहे होते हैं, पर तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है। दरअसल क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, तभी वहाँ पर ओलिवर आता है और वो उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, पर इसी दौरान वो जोर जोर से खांसने लगता है। दरअसल ओलिवर जब खदान में काम करता था तो उसके लंग्स खराब हो गए थे। अब फाइनली ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है तो ओलिवर उसे गुस्से में बताता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदानों में काम किया और अपने लंग्स खराब किए, और इसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो बोलता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास चली जाओ। अब एक दिन कोनी की मेड मिस बोल्टन ओलिवर के कॉटेज में आती है, जहां उसे कोनी की डायरी मिलती है, और उस डायरी को देखकर उसे समझ आ जाता है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। एक दिन क्लिफर्ड आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है, पर तभी वहाँ पर मिस बोल्टन आती है और वो क्लिफर्ड को बता देती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर जब कोनी क्लिफर्ड से मिलती है तो क्लिफर्ड उसे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी मिस बोल्टन के पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, पर इस पर मिस बोल्टन उसे कुछ नहीं बताती। अब कोनी को लगता है कि शायद मिस बोल्टन को ओलिवर ने बताया होगा, पर मिस बोल्टन उसे बोलती है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। अब इस पर कोनी रोने लगती है और वो उसे बोलती है कि मैं ओलिवर से बहुत प्यार करती हूँ। फिर मिस बोल्टन उसके पास आती है और उसे माफी मांगते हुए बोलती है कि जल्दी ओलिवर के पास जाओ, वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। ये सुनकर कोनी भागते हुए ओलिवर के आउट हाउस में जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर कोनी रोने लगती है, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफर्ड के घर पर आती है, जहाँ कोनी उससे डिवोर्स मांगती है, पर क्लिफर्ड उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए बोलता है। पर फिर जब ओलिवर वहाँ पर आता है तो वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और फाइनली कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड के घर को छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाते वक्त क्लिफर्ड वहाँ पर आता है और वो कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। अब कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड से बहुत दूर चले जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए साथ रहते हैं, और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।